कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस लगातार बजरंग दल और आरएसएस पर आक्रामक है। आज युद्ध स्तर कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल की सद्बुद्धि की कामना कर रही है। उसी क्रम में राजधानी भोपाल के झरनेश्वर हनुमान मंदिर पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस प्रवक्ता ने हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल आरएसएस और बीजेपी की सद्बुद्धि की कामना की। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरीके से बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगवान बजरंगबली के से प्रार्थना की है कि इन बजरंग दल के गुंडों को सद्बुद्धि प्रदान करें। हमने हनुमान चालीसा का पाठ आज पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से बजरंग दल के गुंडे पूरे देश भर में गुंडागर्दी करते हैं और भगवान और धर्म की आड़ पे बजरंगबली के नाम पे जिस तरीके से लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और ऐसे कृत्यों पे लगाम लग सके, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, वो इन गुंडा तत्वों पे कार्रवाई करने में असक्षम है। इसीलिए आज हमें भरोसा सिर्फ भगवान पे है, इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ आज पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ा है और इन बजरंग दल के गुंडा तत्व और कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। विवेक त्रिपाठी, मीडिया विभाग, मध्य प्रदेश, युवा कांग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।